अभी हम लोग जा रहे हैं गजरा देखने के लिए। देखो लंबी सी लाइन कितनी दूर तक गई हुई है, पूरा ही गोविंदा का लाइन लगा हुआ है। तो फाइनली हम लोग दर्शन करके आ गए हैं पूरे 6 घंटे में। तो लड्डू लाने के लिए तो पीछे देख सकते हो बालाजी का मंदिर है, आप लोग फटाफट से जो है ना प्रणाम कर लीजिए। पहुंच गए रूही, पहुंच गए, पहुंच गए। बोलो ना वो क्या बोलते हैं, गोविंदा गोविंदा। पैंट शर्ट अलाउड नहीं है, धोती कुर्ता अलाउड है और सांबर चावल तो मस्त यहाँ पे मिलेगा। इसी जगह पे हम लोग लास्ट टाइम सांबर चावल यहीं पे। ये लोग बाल कटवाने गया था। गोविंदा बोलो, गोविंदा आरची बार भी बोलो गोविंदा। तो हम लोग फाइनली जो है ना तिरुपति बालाजी मतलब कि तिरुमल्ला पहुंच चुके हैं और बहुत मन में खुशी है क्योंकि अच्छे से सेफली हम लोग सब पहुंच गए। मिस्टर झा का फर्स्ट टाइम था और इस तरह से घाटी पहाड़ पे चढ़ना, तो मेरे को बहुत टेंशन हो रही थी लेकिन अच्छे से हम लोग सब पहुंच गए। अब हमारी दर्शन जो है ना 8 बजे की है, तो जा रहे फ्रेश होंगे और रूम लेंगे, फ्रेश होंगे उसके बाद जो है निकलेंगे दर्शन के लिए। और यहाँ पे पता नहीं विकास जी क्या पेट पूजा का चीज ले, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ क्या थोड़ा सा मैं डालूं? हाँ हाँ आप मत डालिए, नहीं विकास जी आप नहीं। कीड़े यार नहीं नहीं नहीं, बस पेट भर गया मेरा। सांबर चावल के लिए जगह रखेंगे। ये देखो कितना रश है यहाँ पे और दर्शन करने के लिए कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, लाइन में लगेंगे। अभी हम लोग भी जा रहे हैं फ्रेश होने के लिए, तब जाके लाइन में लगना है। हाँ अभी नहीं, लेके पी लेने के बाद ना। ये लोग क्या कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। ठीक है इडली खाओगी ना, चलो ठीक है। तो यहाँ पे सारे लोग बैठ के ना खाना खा रहे हैं दर्शन करने से पहले, क्योंकि दर्शन का पता नहीं रहता है ना कितना टाइम लगे, 9 घंटा लगे, 4 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, इसीलिए सब लोग खाना खा के यहाँ से निकल गए। तो हम लोग भी खाना खाने के लिए बैठ गए है ना। खाना आ गया है, अब हम लोग जो है ना खाना खाना शुरू करेंगे। चलो इडली का क्या, इडली है। तो ये है हमारा रूम और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बेड लगा है, ये है डबल बेड। और ये हो गया आपका ड्रेसिंग एरिया, ये अलग से भी दिया हुआ है। तो अभी फटाफट से हम लोग जो है तैयार होते हैं फटाफट से और निकलते हैं। कंबल भी अच्छे से दिया हुआ है कि ठंडा लगे तो आप लोग ओढ़ लो, है ना। बालाजी का यहाँ पे जो है फोटो भी लगा हुआ है और हीयू को जल्दी से तैयार करते हैं। तो फाइनली मंदिर जाने के लिए हम लोग हो गए रेडी और हम सब ने ना जो जितनी भी गर्ल्स हैं लेडीज़ हैं वो पिंक ड्रेस में है, तो ये मैंने पिंक साड़ी पहना हुआ है और मैं दिखाती हूँ कि मेरी फ्रेंड ने भी पिंक साड़ी ही पहना है। और बस हमारा जो दर्शन का टाइमिंग है वो है 8 बजे का। तो फाइनली सारे लोग टाइम से रेडी हो गए और ये देखो ये भी पिंक साड़ी में रेडी है और रूही को दिखाती हूँ। और यहाँ पे रूही जो है ना ये भी पिंक साड़ी में रेडी है, तो काफ़ी खूबसूरत लग रही है। और शाम के बज गए हैं 6, है ना, 6 बज रहे हैं और हमारे पास अभी 2 घंटा और है, तो आराम से हम लोग जो है ना अभी निकलेंगे चाय पीते हुए। चाय पियोगी लिपस्टिक खराब हो जाएगा। हाँ वो भी बात है, ये भी नहीं तो लिपस्टिक रख लेते हैं बैग में, है ना, तो अगर चाय अच्छी मिलेगी तो पी लेंगे। और ही यहाँ पे आरसी बारबी भी क्यूट क्यूट से ड्रेस में जो है रेडी है और ही यू खड़ी हो गई है अपना ड्रेस दिखा। और ये है मेरे साड़ी का लुक, देखा आपने 5 मिनट के अंदर मैंने आज साड़ी पहना है फिर से, तो अब एक्सपर्ट होती जा रही हूँ मैं साड़ी पहनने में। फटाफट से लपेट लेती हूँ, फटाफट से पहन लेती हूँ, मतलब साड़ी भी उस टाइप का होना चाहिए जो जल्दी से पहनने में हो जाए,
इसीलिए मैं ये साड़ी लेके आई। हम लोग हाँ फोल्ड करने बोल रही थी। अभी हम लोग जा रहे हैं गजरा देखने के लिए, अगर नीचे मिल जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर बिना गजरा के ही जाना पड़ेगा। हाँ हाँ दे रहे दे रहे दे रहे दे रहे दे रहे प्लेट डोसा नहीं, प्लेट डोसा कहाँ ले रहे हैं, मंचूरियन और नूडल्स लिए ना। हाँ तो अभी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं नाश्ता करने के लिए, शाम का टाइम हो गया है क्योंकि दर्शन में अभी 2 घंटा और टाइम है, तो सोचे कि बच्चे लोगों को खिला देते, साथ में हम लोग भी थोड़ा बहुत कुछ खा लेंगे जिससे कि रात में भूख ना लगे, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं होता ना कि कितना टाइम लगना है कितना नहीं लगेगा। और बस नीचे ही है हमारे जहाँ पे हम लोग होटल में रुके हुए तिरुपति के अंदर, तो वहीं पे जस्ट नीचे में पूरा खाने पीने का सुविधा रहता है, तो यहीं पे रुके हुए हैं और उसके बाद खा पी के जो है अब निकल लेंगे वहाँ पे, क्योंकि सब लोग खा पी के ही वहाँ पे दर्शन करते हैं, और अगर ज़्यादा लंबी लाइन रहती है तो वहाँ पे खाने का भी व्यवस्था रहता है, अगर 6-7 घंटे की लाइन अगर रहती है तो उधर से वो लोग जो है ना इंतज़ाम करते खाने पीने का। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें उतना टाइम लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटा लग जाएगा, है ना, 1-2 घंटा तो लगेगा लाइन में मिनिमम ना। हाँ तो वही है, तो इसीलिए हम लोग सोचे कि थोड़ा बहुत खाए रहेंगे तो भूख नहीं लगेगी। अब बस हम लोग थोड़ी देर में निकलने ही वाले हैं, मौसम इतना अच्छा हो रखा है ना कि जब हम लोग आए थे तो गर्मी थी, बट अभी मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है, और अंदर तो आप लोगों को पता ही होगा बालाजी में फ़ोन अलाउड नहीं है, तो जहाँ तक अलाउड होगा मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ अपने ब्लॉग में कि कैसे कैसे क्या सब होता है, कैसे जाते हैं, और लाइन शुरू होने से पहले जो है ना फ़ोन को सबमिट कर लिया जाता है। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे आना, एक अलग ही सुकून मिलती है। मैं इतनी बार यहाँ पे आ चुकी हूँ ना, लेकिन फिर भी मन नहीं भरता है, बालाजी के पास मन करता है बार बार आने का। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी फीलिंग है यहाँ की। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ लोग सब कैसे रेस्ट करते जिनको रूम नहीं मिलता। पर में ना रूम बहुत मुश्किल से मिलती है, हम लोग 3 महीना पहले बुक किए थे तब जाके हमें रूम मिली है, और यहाँ पे आप देख सकते हो जिनको रूम नहीं मिली है वो लोग यहाँ पे इस तरह से हैं, बैठे हैं, लेटे हैं और रेस्ट कर रहे हैं, जब जिसका टाइमिंग है फिर उस टाइम पे जो है ना निकलेंगे। तो यहाँ पे सारे लोग जो है इस जगह के जहाँ पे हम लोग रुके हुए वहाँ का ये जगह है, और ये है हमारा रेस्ट हाउस, नंदकम रेस्ट हाउस है ये, और यहाँ पे खाने पीने का पूरा है, चाय वगैरह हर नाश्ता सारा ही खाना एक तरह से यहाँ पे अवेलेबल। यहाँ पे आ गया है चाउमीन, ये है डोसा, और उधर हमने लिया है मंचूरियन। तो बच्चा पार्टी लोग जो है ना यहाँ पे पेट पूजा कर रहे हैं, सबको भूख लगी हुई है क्योंकि शाम का टाइम हो गया है और हम लोगों ने दोपहर में ही खाया था। बहुत काफी स्पाइसी भी है। रवि रेडी? ओके ओके ठीक है। बेबी इधर देखो, तो मिस्टर झा भी आ गए तैयार होकर के कुर्ता और पैजामा में। रवि को आपने देख ही लिया, लुंगी क्या बोलते हैं इसको, धोती और शर्ट में है ना। अभी विकास जी रह रहे हैं, तो आप कुछ खाओगे? नहीं हियो, क्या कर रहे हो बेटू, गिर जाओगे। तो बस अब हम लोग जो है ना बालाजी के दर्शन के लिए पहुंचने ही वाले हैं, और गेट के पास ही है, अब जो है ना फोन सबमिट हो जाएगा, तो आप लोगों को भी मैं बाहर से दर्शन करवा देती हूँ फोन सबमिट करने से पहले। तो ये देखिए रात के टाइम में कितना खूबसूरत लग रहा है, धूप भी नहीं है और बच्चे भी कोई परेशान नहीं होंगे, तो आराम से हम लोगों को अगर 2-3 घंटे भी लग जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि गर्मी बिल्कुल भी नहीं है अभी। तो ये देख सकते हो रात के टाइम का नज़ारा, सारे लोग जा रहे हैं बटालियन आगे आगे, तो अब दर्शन के लिए जो लाइन जा रही है ऊपर से, अब हमारा भी फोन जो है ना यहाँ पे सबमिट होने वाला है, ऊपर लाइन जा रही है पूरी लंबी सी, देखो लंबी सी लाइन कितनी दूर तक गई हुई है, और जिस जो कुछ लोग बोल रहे थे कि 3-4 घंटा लग जाएगा, बट कोई बात नहीं, ये देखो
पूरा ही गोविंदा का लाइन लगा हुआ है दर्शन के लिए। यू बोलो गोविंदा। चलो तो यहाँ पे आप लोग जो है ना यहाँ से प्रणाम कर सकते हैं। हम लोग जो है ना प्रांगण में आ चुके हैं। तो ये देख सकते हो आप लोग तिरुपति में कितनी भीड़ है रात के टाइम में भी। हम लोग तो अभी फोन सबमिट भी नहीं किए हैं, उससे पहले ही इतनी भीड़ है कि सारे लोग जो है बैठ गए हैं यहाँ पे। और नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे जूम करके वहाँ तक पूरा ब्लॉक है। अभी भी जो है ना रश काफ़ी ज़्यादा है ये चेकिंग से पहले ही। तो देखते हैं आगे जाके हमें कितना और टाइम लगने वाला है। मैंने तो अभी तक मोबाइल भी सबमिट नहीं किया है और ये पूरा ही भीड़ है। लगता है आज 4-5 घंटा लगने वाला है। हाँ विनीशा आज तो बहुत लंबी लाइन है, 4-5 घंटा लग जाएगा है ना। तिरुपति महाराज तुमको पूरा स्कोप दे रहे, तुम जितना वीडियो बनाना है अपना ब्लॉग बना दो। हाँ वाह। अब तुमको ये नहीं था कि तुम फ्रूटी से होली खेल लो। सबको बोल रही थी कि मत कहा ना मत। गोविंदा गोविंदा। चलो 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 रदी और लाइन में लगे हुए ना 1 घंटा हो गया और अभी तो मेन लाइन शुरू भी नहीं हुई है, उसके बावजूद इतनी लंबी लाइन है। अभी तो फोन सबमिट होगा फिर मेन लाइन शुरू होनी बाकी है। तो पता नहीं, लगता है आज ना रात के 1:30-2 बज ही जाएंगे, मतलब 5-6 घंटा। तो मुझे ऐसा मतलब रश को देख के लग रहा है कि होने वाला है, 5-6 घंटा तो लगने ही वाला है दर्शन में। चलिए कोई बात नहीं, एक तो सबसे अच्छी बात है कि रात का टाइम है ना, धूप नहीं है तो उतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है बैठ बैठ के। यहाँ पे बैठने की पूरी सुविधा होती है तो बैठ बैठ के दर्शन तक पहुँच ही जाएंगे, चाहे 5 घंटा लगे या 6 घंटा लगे। लेकिन लाइन बहुत लंबी है, बहुत भीड़ है। तो फाइनली 2 घंटे के लाइन के बाद ना हम लोग मेन गेट पे आ गए हैं और यहाँ पे अब हमारा ना फोन सबमिट होने वाला है। अब स्पेशल लाइन जो है ना, मतलब कि मेन लाइन जो है अब यहाँ से स्टार्ट होना है। तो अभी तो ये फोन सबमिट का लाइन था, ये देख सकते हो आप। चलिए आप लोगों से दर्शन के बाद जय गोविंदा गोविंदा रखते हैं, अच्छे से दर्शन करके आते हैं। फोटो मैडम, फोटो फोटो फोटो। तो फाइनली हम लोग दर्शन करके आ गए हैं पूरे 6 घंटे में। हम लोग 7 बजे लाइन में लग गए थे और अभी बज रहा है 1। तो बच्चे का हालत ख़राब है, सब बच्चे लोग नींद से एकदम परेशान है। यू भी सो गई है, आर्ची भी सो गई है और यहाँ पे बारबी जो है रेस्ट कर रही है बैठ के। हम लोग भी ना पैर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मुझे, तो हम लोग भी ऐसे ही यहीं पे नीचे में बैठ गए जैसे कि सब लोग बैठे हुए आप देख सकते हो पीछे। वैसे हम लोग भी यहाँ पे
रेस्ट कर रहे हैं और काजी लोग गए हुए हैं लड्डू लाने के लिए। मेरे से तो नींद के मारे बोला भी नहीं जा रहा है, तो लड्डू लाने के लिए। तो पीछे देख सकते हो बालाजी का मंदिर है, आप लोग फटाफट से जो है ना प्रणाम कर लीजिए। ये देखिए बालाजी का मंदिर है और हम लोग उसी प्रांगण में जो है बैठे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं। लड्डू आता है तो फिर हम लोग अपने होटल की तरफ निकल पड़ेंगे। देखते हो लड्डू आने में कितना टाइम लगता है, तब तक रेस्ट करते, ठंडी ठंडी हवा खा रहे हैं। और आज का ब्लॉग यहीं तक था, बहुत थक गए गाइस। तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। पापा ना बस्ती पा पापा ना बस्ती पा पापा बस्ती पा मुंह बंद करके सांस लीजिए।